इंटरव्यू में बोल चुकल बनी कमाल धमाल बा हमार लगता कि उस सुपर हिट जाए अच्छा कुछ बात नहीं किया भैया फिल्म देखने लगता है तो सोची का आपका तरक्की होने लगा जी हाँ सही बात प्यार प्यार पियावा के पाई के धो दिहल लोभ सब डब से नहाई के हुआ कम गाना सुनो फिल्म देखो और मैं कलाकार हूँ उनका छोट बहन है हो बबुआ का हलवा आप सभी का स्वागत बा हेडलाइन भोजपुरी में और हम हैं आप सभी का भाई तेजा और आज आप सभी के समक्ष यादव शेरनी यानी प्रिया पहले के लेके आई बनी कैसन बनी आप बहुत अच्छा बानी जी रउआ कैसन बानी हम भी बढ़िया बानी फरिश्ता मूवी देखनी है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के अभी देखनी है ना कैसे कि आरा में लागल नहीं के आरा में नहीं लागल ना आरा में नहीं लागल आरा में जब लागी तो पहले ही जाई मैं खेसारी लाल यादव से सबसे बड़का शिकायत प्रिया पहलिया के कि आराम उनकर फिल्म काहे नहीं खिलागल एकर पीछे कारण का बा खेसारी लाल यादव अगर इंटरव्यू देखा था नहीं तो जरूर बताए अच्छा ये बताएं फिल्म के रिव्यू कहनी है ट्रेलर देखनी है टीजर देखनी है गाना सुननी है कैसन फिल्म देखे से लागत फिल्म तो बहुत बेहतर बा ऐसे कि देखिए कुछ लोग जो हॉल में गए होंगे वो वीडियो बना के डाले थे यूट्यूब पे तो मैं उसको देख रही थी बसरते वो समझ में तो आ नहीं रहा था कि मतलब आवाज़ नहीं समझ में इतना हल्ला कर रहे थे हॉल में जो वीडियो डाले हैं लोग तो मैं देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोच रही हूँ कि कब लगे या आराम में कब लगेगा और जाएंगे देखने के लिए खेसारी लाल यादव का जो पागल वाला रोल बा जो पैजामा पहने नहीं हमेशा पैजामा ढीले रहे नहीं तो ऐसा रोल बा वो आप हॉल में सुनिए कि आप देखबे कनिया कुछ मोबाइल वगैरह पे बहुत ही बेहतरीन फिल्म बा जो रोल किए हैं पागल वाला ना बहुत ही बेहतर रोल है और मतलब देखने के बाद आपको ना एकदम लगेगा कि रियल ही है सब ठीक है एकदम रियल ही लगेगा क्योंकि मैं फेसबुक पे देख रही थी जो हॉल का थी डाला हुआ था वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगा आवाज़ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मगर जो सीन था ना बहुत बहुत बेस्ट लगा उनका फिल्म तो बहुत मैं देखी हूँ लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छा लगा आप गायिका हैं हमेशा ही गाना गावे नहीं चाहे प्रमोद प्रेम यादव हैं या चाहे और भी कोई सिंगर हैं आपके अभी खेसारी लाल यादव के साथ मौका नहीं मिला तो क्या लगा था कि आवे वाला टाइम में खेसारी लाल यादव के साथ आप गाय और कैसा देखा था नहीं आप उनका साथ ऐसा कुछ बात नहीं है देखिए ऐसा नहीं कि वहाँ के गाय तब वहाँ के हम गाना सुनो फिल्म देखो और मैं कलाकार हूँ उनका छोट बहन है तो हम गाना तो हमेशा सुनी ले और भैया का बहुत बड़ा फैन है और उनका गाना सब अच्छा लगे हमारा मतलब और भैया गवाही चाहे ना गवाही फैन है फैन है उनका फैन तो नॉर्मल फैन है कि कट्टर वाला फैन है कैसन फैन है देखिए मैं कलाकार बाद में हूँ पहले उनका फैन हूँ मैं और उनका एक्टिंग जो है ना मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग और अभी कोई कोई उनका जो गाना हो एक दो का गाना है वो मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छा था अच्छा चाहेंगे खेसारी बेग अगर आपके कोनो गाना याद हो तो एगो उनकरा खाती उनकर ऑडियंस खाती जे उनका इतना प्यार करला और आपके भी इतना चाहेला कहें कि आपके भी इतना नाम यादव शेरनी प्रिया पहलिया थोड़ा सा गाना भी बना दी उनका एक बहुत पहले गाना आया था बहुत ही सुंदर लगता है वो गाना मैं मंच पर भी गाती हूँ कहीं अरे के भूल गई लो यार प्यार पियावा के पाई के भूल गई लो यार प्यार पियावा के पाई के धो दिहल लोभ सब डब से नहाई के धो दिहल लोभ सब डब से नहाई के वाह का बात वाह ये बताएं कि जैसे कि फिल्म के फरिश्ता के लगातार हॉल में से इतना आदमी देखा था काफी आदमी सराहना भी करता था काफी फैंस लोग भी टैटू बना बना के देखा था आपके क्या लगा था भोजपुरी में ऐसा फिल्म ऐसा स्टोरी ऐसा एक्टिंग और कभी कहीं अनजाने में या कभी भी रहे देखिए वहाँ का फिल्म तो बहुत बना बा पवन भैया कोई बहुत अच्छा अच्छा फिल्म बना बा लेकिन ये फिल्म जो है ना एक पारिवारिक टाइप पे है और इसको इस फिल्म को सब लोग देख सकते हैं सब लोग क्योंकि देखिए अब देखिए कि उन खेसारी भैया के मम्मी पापा भी गोल वालों फिल्म देखे खातिर कहीं ना कहीं अच्छा बा पारिवारिक फिल्म बा तभी वहाँ के लोग गोल बन जाए तो परिवार जब परिवार फिल्म देखने लगता है तो सोचिए आपका तरक्की होने लगा जी हाँ सही बात बा अगर परिवार के आदमी अगर अच्छा लग जाए तो सोचिए सारा दुनिया को अच्छा लग रहा है अच्छा अगर फिल्म आराम में लगा था आपके नजदीकी सिनेमा लगा था का आप और आपके परिवार ही फिल्म देखे जाएगी परिवार तो
मतलब मम्मी उम्मी तो नहीं जाएंगे लो, लेकिन वो गांव के हैं लोग तो नहीं उतना फिल्म उलिम हॉल में नहीं उतना इंटरेस्ट है, लेकिन हम हैं हमारे सब दोस्त लोग हैं लड़की लोग तो जाएंगे हम फिल्म देखने जाइएगा। अच्छा आप पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेम यादव या जितना भी स्टार बनी, केकरा के सुने नहीं, केकरा के जाने की कोशिश करें नहीं, केकर फैन नहीं और केकरा के चाहे नहीं? हम सब केहू के सुने नहीं, सुने का मत कही, सुने का तो हम सब केहू के सुने ला गाना, गायिका के तौर पर, गायिका के तौर पर सुने नहीं। या सब लोग के गाना हम मंच पे भी गाइला, पवन भैया कभी गाना गाइला, प्रमोद भैया कभी गाइला, सब लोग के हम गाना सुने ला, एक तरफा कोई को गाना ना सुने। ऐसा कुछ बात नहीं की भैया फैन ही राउर गाना देखिये, फैन का मतलब ये ना होगा की एक ही राउर गाना सुने, हम फैन है ही राउर, छोट बहन है और अच्छा लगे राइटिंग। पवन भैया का भी सैड सॉन्ग बहुत बिजोड़ लगे, विदाई गीत तो पूछे मतलब कि पवन सिंह के बात करा जाओ तो डायरेक्ट देवी गीत और भक्ति, देवी गीत उनका जो विदाई गीत है ना वो जो गा देते हैं कोई नहीं गा। एगो और ही फिल्म आवेल बाटे जकर नाम है खेसारी लाल यादव के संघर्ष टू, आप टीजर देखनी है, कैसन टीजर लागल है? मैं तो पहले में इंटरव्यू में बोल चुकल बनी कमाल धमाल बा, हमरा लागत कि उस सुपर हिट जाए। अच्छा ओकरा में ही कहल जा रहा है कि साउथ के एक सीन एक्शन रखल गई बा जहाज से, फिर पानी वाला जहाज से कहल जाओ तो पूर्ण रूप से वो फिल्म के एगो साउथ के तौर पर बड़ा बजट से इन्वेस्ट कर गई बा खेसारी लाल यादव बूढ़ा के रोल में और काफी ज्यादा मजेदार मूवी बनल बा। उनका जो लुक है ना बिल्कुल मतलब ऐसा लुक आप उनका पहली बार उनका चेहरा ऐसा देखे होंगे आप, फिल्म तो बहुत बना है लेकिन ऐसा लुक ऐसे ही फिल्म में देखे जैसे साउथ में हम लोग देखते हैं अजीत जी हैं, अजीत जी आप जो साउथ में हीरो हैं अजीत जी वैसे ही रोल उनका है। हाँ तो उनका ऐसे ही ये सीन संघर्ष टू में लगा, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, हमको लग रहा है कि टीजर इतना बढ़िया है तो फिल्म भी बहुत अच्छा होगी। मतलब कि ई बात के आपके दुख बा कि फरिश्ता मूवी आरा में नहीं खेला और अपना देख पाई? हां दुख बा भाई, का है भैया पर आरा में ना लगवेनी फिल्म, का दिक्कत बा आरा वाला आदमी से का प्रॉब्लम बा, आरा आदमी बहुत रोल फाइनल बहुत प्यार कर ल रहा लोग आरा के आदमी। एक सवाल और, हर हर गंगे पवन सिंह का पोस्टर टीजर आ गेल बा, आपके कैसन लागल? बहुत बढ़िया फिल्म, पोस्टर तो देखने है तो बहुत भयंकर पोस्टर हो ना जवाब नहीं के। हां गोजी मतलब कि जैसे आप अमिताभ बच्चन की फिल्म देखे थे ना, नहीं ये फिल्म मर्द नहीं, मर्द नहीं था फिल्म जी, जिसमें कौन से मामा थे जिन्हें दांत उनका टूट जाता है। अच्छा वो पता नहीं कौन सा फिल्म था, ध्यान नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ऐसे ही मतलब उनका पोस्टर पे ऐसे सेम था, मतलब सेम नहीं था, मतलब वो बांधे हुए थे ये ऐसे खुद के पकड़ के रखे हुए घड़ियाल के। हाँ तो इनका पोस्टर तो लाजवाब है, जोड़ा नहीं है जी। मतलब कि आप भोजपुरी लग रहा है कि हमारा भोजपुरी में अच्छा अच्छा काम होगा और भोजपुरी हमारे बहुत आगे जाने वाला जी। आपको लगता है कि भोजपुरी में जिसे काम हो रहा है लगातार पवन सिंह के या खेसारी लाल यादव के चाहे रितेश पांडे के, इतना बड़ा बजट में फिल्म बन रहा बटे, चाहे साउथ के फिल्म अब तक कर दे दी एकदम अब दिन दूर नहीं है, देखिए इतना हुआ ना इससे भी आगे आगे बहुत कुछ होगा जी। तो फिल्म खेल लेके फरिश्ता मूवी के लेके खेसारी लाल यादव से आपके का संदेश रही और उनको ऑडियंस के आपके क्या राय रही? देखिए हम ये कहेंगे भैया ऐसी ऐसी उससे बेहतरी फिल्म रहुआ बनाई और सबके आशीर्वाद, सभी कलाकार के सभी जनता के आशीर्वाद आप सबके ऊपर बा, आप सब ऐसी तरह काम करत रही और जनता के प्यार ऐसी रहुआ लोग को मिलत रही और माता रानी से कामना करें कि जो भी आप रहुआ लोग काम करी वो सब सुपर हिट जाए। तो खेसारी लाल यादव के फरिश्ता मूवी के बारे में जो ऑडियंस बा उका सोच रहा बा हमारा के जरूर बताई और खेसारी लाल यादव से खास कर निहोरा रही कि जरूर बताई कि मुंबई में, गुजरात में, यूपी में और भी कई जगह खेसारी लाल यादव के फरिश्ता मूवी काहे नहीं लागल, ऑडियंस के बड़ा अंदर से जोश और जुनून बा की मूवी देखी परंतु फिल्म नहीं खेल लागल, बड़ा शिकायत खेसारी लाल यादव से उनकर ऑडियंस के। वैसे इंटरव्यू के लेकर का राय बा हमारा के जरूर बताई और आप सभी सही हमनी के साथ बने रही, हम है आप सभी का भाई तेजा और आप देख रहे बनी हेडलाइन भोजपुरी।